हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, जिस स्टॉक को आज हम एनालाइज करने वाले हैं, इस स्टॉक का नाम है सुजलोन एनर्जी। स्टॉक में पिछले कई मंथ से लगातार रही देखने को मिल रही थी। स्टॉक हायर बनाते चला जा रहा था और स्टॉक ने न्यू हाई रिकॉर्ड किया था 50 रुपीज का लेवल, जिसके बाद स्टॉक का इस फरवरी के मंथ में इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया और हमें भारी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक गाइस जिस लेवल से चला था उसी लेवल पर फिर से मार्च के मंथ में आ गया था और इसी लेवल से हमें रिकवरी देखने को मिली। स्टॉक गाइस फिर से 40 रुपीज के लेवल पर आ गया। अब इसके बाद स्टॉक में हमें फिर से इसके प्रीवियस हाई तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में गाइस कल के ट्रेडिंग सेशन में देखे तो हमें 3% से ज्यादा रैली देखने को मिली है। अगर स्टॉक में गाइस इस बार इसके प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो गाइस स्टॉक में हमें 40% से ज्यादा की रैली देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में, जिसको आज के हम वीडियो में एनालाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस बिना देर के स्टॉक के चार्ट को थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। इसमें हमारे लेवल्स कौन से रहेंगे, कहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। स्टॉक के चार्ट को वन डे के टाइम फ्रेम एनालाइज करें और इसमें जो हमें रिवर्सल देखने को मिली है 35 रुपीज के लेवल पर से रिवर्सल देखने को मिली है, जिसके बाद स्टॉक में अब हमें न्यू सपोर्ट जो देखने को मिला है गाइस 40 रुपीज के लेवल पर देखने को मिला है, जिसके बाद स्टॉक में गाइस अब हमें ऊपर में जल्द ही इसके प्रीवियस हाई तक के टारगेट देखने को मिलने वाले, जिसको अगर लॉन्ग पोजीशन टूल की मदद से देखें हमें 20% के करीब टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस काफी छोटा सा है, 6% का, 39 रुपीज का लेवल इसमें हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाई सकती है और इसके बाद हमारा साइकिल सपोर्ट लेवल जो रहेगा डाउन साइड में 35 रुपीज का लेवल रहेगा। और अगर स्टॉक में गैस 50 रुपीज के लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो गैस हमें जो मूव देखने को मिलेगी स्टॉक में आने वाले दिनों में, गैस हमें स्टॉक में 35 रुपीज के लेवल से लेकर इसके अब तक रेजिस्टेंस लेवल तक देखे तो गैस हमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे 50% के करीब टारगेट आने वाले लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक के गैस 50 रुपीज के अब पर प्राइस रेंज टू की मदद से देखे हमें जो 50% के टारगेट देखने को मिलेंगे लॉन्ग टर्म में, गैस 75 रुपीज तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में गैस अगर इसके करंट लेवल से देखें तो गैस हमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे 80% से ज्यादा टारगेट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे इसके ब्रेकआउट के बाद, जिसमें हमारा 50 रुपीज के बाद फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 60 रुपीज का लेवल रहेगा, सेकंड टारगेट स्टॉक में 75 रुपीज तक के लेवल हमारे टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे। और स्टॉक में जो हमारा अभी तक स्टॉप लॉस रहेगा 39 रुपीज का लेवल, इसमें हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये थे गाइस आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल। इस स्टॉक में गाइस स्विंग ट्रेड के लिए 50 रुपीज तक के लेवल है और उसके बाद गाइस लॉन्ग टर्म के लिए हमारे 60 रुपीज से लेकर 75 रुपीज तक के टारगेट रहेंगे। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। आई होप गाइस आज की जो हमारी एनालिसिस थी पसंद आई होगी। वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।